हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कंपैरिजन बाय अंकुश। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्रद्धा कपूर का पहला मूवी आता है, नाम रहता है तीन पति, और ये मूवी 2010 में आया था। बजट था मूवी का 18 करोड़ एंड कमाई किया मात्र 7 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रहा, मतलब कि महा फ्लॉप रहा। तो बात करते हैं दो नंबर पर, तो मूवी आता है लव का द इंड, और ये मूवी आता है 2011 में। बजट रहता है मूवी का 9 करोड़ एंड कमाई करता है ये मूवी 8 करोड़ का, और दूसरा मूवी भी फ्लॉप हो जाता है। तो दो मूवी फ्लॉप देने के बाद श्रद्धा कपूर का तीसरा मूवी आता है, मूवी का नाम रहता है आशिकी 2, और ये मूवी आता है 2013 में। बजट रहता है मूवी का 15 करोड़ एंड कमाई करता है ये मूवी 109 करोड़ का, जो कि काफ़ी ज़्यादा था यार। एंड मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का टैग देता है। इस मूवी का गाना काफ़ी ज़्यादा चला था एंड फिल्म भी काफ़ी अच्छा था यार, आप लोग एक बार जरूर देखें, आप लोग रो देंगे जरूर से। बात करते हैं चार नंबर पर, तो मूवी आता है एक विलन, और ये मूवी 2014 में आता है। बजट रहता है 39 करोड़ एंड कमाई करता है 153 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी भी सुपर हिट का टैग लेता है। तो आप लोग देख सकते हैं श्रद्धा कपूर का कैरियर कैसा रहा था, कितना डाउन से अप जा रही हैं। बात की जाए पाँच नंबर पर, तो मूवी आता है हैदर, और ये मूवी 2014 में आया था। बजट था मूवी का 48 करोड़ एंड कमाई किया था 80 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी एवरेज का टैग लिया था। लेकिन ये मूवी 2014 का टॉप मूवी था, और इस मूवी में शाहिद कपूर थे, और शाहिद कपूर को इस मूवी के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला था। बात की जाए छः नंबर पर, तो मूवी आता है ABCD 2, और ये मूवी 2015 में आया था। बजट था 65 करोड़ एंड कमाई किया था 158 करोड़ का, एंड ये मूवी डांस से भरा हुआ है, आप लोग जाके एक बार देख सकते हैं। बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी का सुपर हिट का टैग मिला था। तो एक बार आप लोग जाके देखिए ABCD 2, फुल डांस मूवी है। बात की जाए सात नंबर पर, तो मूवी आता है बागी, और ये मूवी 2016 में आया था। बजट था 37 करोड़ का एंड कमाई किया था 127 करोड़ का, एंड बॉक्स ऑफिस पर मूवी हिट का टैग लिया था। इस मूवी का गाना काफ़ी ज़्यादा चला था यार, आप लोग जाके एक बार सर्च कीजिए यूट्यूब पर बागी सॉन्ग, समझ में आ जाएगा आप लोग को। बात की जाए आठ नंबर पर, तो मूवी आता है रॉक ऑन 2, और ये मूवी 2016 में आया था। बजट था 45 करोड़ एंड कमाई किया था ये मूवी 18 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी डिजास्टर हो गया था। लेकिन उस समय नोटबंदी हो गया था, इसलिए ये फिल्म डिजास्टर गया था, नहीं तो ये फिल्म अच्छा चलता, इसमें फरहान अख्तर था। बात किया जाए 9 नंबर पर, तो मूवी आता है ओके जानू, और ये मूवी 2017 में आया था। बजट था मूवी का 27 करोड़ एंड ये मूवी कलेक्शन किया था 37 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी भी फॉलोअप हो गया था। तो बात करते हैं 10 नंबर पर, तो श्रद्धा कपूर का मूवी आता है हाफ गर्लफ्रेंड, और ये मूवी आता है 2017 में ही। बजट रहता है मूवी का 35 करोड़ एंड कमाई की बात किया जाए तो 80 करोड़ कमा के बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी हिट का टैग लेता है। तो श्रद्धा कपूर हिट एंड फ्लॉप दोनों फिल्में दी हैं। तो बात करते हैं अब 11 नंबर पर, तो श्रद्धा कपूर का मूवी आता है हसीना पारकर, और ये मूवी आता है 2017 में। बजट रहता है मूवी का 18 करोड़ एंड कलेक्शन की बात किया जाए तो 9 करोड़ करता है, एंड बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी भी डिजास्टर जाता है, मतलब कि महा फ्लॉप जाता है। अब बात करते हैं 12 नंबर पर, तो मूवी आता है स्त्री, और ये मूवी 2018 में आया था। बजट रहता है मूवी का 24 करोड़ एंड कमाई करते ये मूवी 172 करोड़, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है यार। एंड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का अगर वर्डिक्ट अवार्ड किया जाए तो ब्लॉकबस्टर रहता है। तो इस मूवी में आर राजकुमार थे हीरो में, एंड हीरोइन में श्रद्धा कपूर। तो अब बात करते हैं 13 नंबर पर, तो मूवी आता बत्ती गुल मीटर चालू, तो ये मूवी आता है 2018 में, एंड बजट रहता है 49 करोड़ एंड कमाई की बात किया जाए तो 53 करोड़ कमा के बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी फ्लॉप हो जाता है। बात किया जाए 14 नंबर पर, तो मूवी आता है साहो, और ये मूवी अगर ईयर की बात किया जाए तो आता है 2019 में। बजट रहता मूवी का 350 करोड़, जो कि काफ़ी ज़्यादा, एंड कलेक्शन मात्र 453 करोड़ कमाता है, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज का टैग लेता है, वो भी काफ़ी मुश्किल से कमा पाता है, क्योंकि इस मूवी में प्रभास रहते हैं, इसलिए ये मूवी कमा लेता है। तो अब बात करते हैं 15 नंबर पर, तो मूवी आता है छिछोड़े, और ये मूवी आता है 2019 में। बजट रहता है मूवी का 53 करोड़ एंड कमाई की बात किया जाए तो मूवी 203 करोड़ कमा के बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी सुपर हिट का टैग लेता है, और ये मूवी काफ़ी अच्छा है, आप लोग जाके एक बार देख सकते हैं छिछोड़े मूवी को। तो हम लोग बात करेंगे 16 नंबर पर, तो श्रद्धा कपूर का मूवी आता है, नाम है स्ट्रीट डांसर 3D, और ये मूवी आता है 2020 में। बजट रहता है मूवी का 96 करोड़ एंड कमाई की अगर बात किया जाए तो मात्र 91 करोड़ कमाता है, एंड बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी फ्लॉप जाता है। तो बात करते हैं 17 नंबर पर, तो श्रद्धा कपूर का मूवी आता है बागी 3, एंड बागी सीरीज काफ़ी अच्छा चल रहा है श्रद्धा कपूर के कैरियर में। तो 2020 में आया था ये मूवी, 85 करोड़ के बजट से बनकर 135 करोड़ कमाया, एंड बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रहा ये मूवी। तो बागी 3 काफ़ी अच्छा मूवी है, इस मूवी के समय लॉकडाउन लग गया था, इसलिए ये मूवी इतना ही कमा पाया, नहीं तो और ज़्यादा कमाता एंड ब्लॉकबस्टर मूवी हो जाता। तो बात करते हैं 18 नंबर पर, तो मूवी आया था रूही, एंड 2021 में ये मूवी आया, 20 करोड़ के बजट से बना, 30 करोड़ कमाया, मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज का टैग लिया। तो बात करते हैं 19 नंबर पर, तो मूवी भेड़िया, जो कि आ चुका है, एंड 2022 में ये मूवी आया 25 नवंबर को, आप लोग देखें कि नहीं कमेंट बताइए। मूवी का बजट था 60 करोड़ एंड कमाएगा कितना आप लोग बताएंगे, एंड ये मूवी ब्लॉकबस्टर जाएगा या फिर फ्लॉप होगा आप लोग बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भेड़िया मूवी कितना कमाएगा एंड ब्लॉकबस्टर जाएगा या क्या जाएगा।
तो बात करते हैं श्रद्धा कपूर का समरी कि कितना मूवी हिट दिया और कितना फ्लॉप। तो टोटल मूवी श्रद्धा कपूर का अभी तक 19 रहा है, जिसमें से अगर डिजास्टर मूवी का बात की जाए तो 3 दिए हैं। वहीं पे फ्लॉप मूवीज़ का अगर बात की जाए तो श्रद्धा कपूर का 4 मूवी फ्लॉप रहा। एवरेज मूवीज़ का अगर बात करते हैं तो श्रद्धा कपूर का 4 मूवीज एवरेज रहा। अब बात करते हैं हिट मूवीज़ का, तो श्रद्धा कपूर 2 मूवीज़ हिट दिए हैं। तो अब आगे हम लोग बात करेंगे कि सुपर हिट एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज़ कितना दिए हैं। तो श्रद्धा कपूर का सुपर हिट मूवीज़ का बात किया जाए तो 3 मूवीज़ दिए हैं सुपर हिट, एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज़ का बात किया जाए तो श्रद्धा कपूर का 2 मूवी दिए हैं ब्लॉकबस्टर। अब बात करते हैं सक्सेस रेशियो का, जो कि किसी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो 62% सक्सेस रेशियो, जो कि अच्छा है, ख़राब नहीं बोलेंगे। अब बात करते हैं अपकमिंग मूवीज़ का, तो श्रद्धा कपूर का मूवी आने वाला है नो मीन्स नो, और ये मूवी 2022 में आएगा, दिसंबर में आने वाला है ये मूवी। तो ये मूवी हिट जाएगा फ्लॉप आप लोग कमेंट बताइए, और कितना कमाएगा, एंड कमेंट करके बताइए आप लोग श्रद्धा कपूर का एक फेवरेट मूवी का नाम कि कौन सा मूवी आप लोग को अच्छा लगता है, एंड एक सॉन्ग का भी नाम बताइए कि श्रद्धा कपूर का कौन सा सॉन्ग आप लोग को अच्छा लगता है। एंड वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है यार, मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ, एंड वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।